हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? मैं हूँ शॉन मिल्टन. मैं हूँ शैनन मिल्टन. मतलब मैं नहीं हूँ, ये है शैनन मिल्टन. और आज की ये जो वीडियो है ये काफी स्पेशल है क्योंकि आज है 7th October, जो कि होता है शैनन का बर्थडे. सो आज हम काफी सेलिब्रेशन करने वाले हैं. एक गिफ्ट है जो कि हम सब ने मिल करके शैनन को दिया है, उसकी अनबॉक्सिंग करने वाले. काफी अच्छा है क्योंकि काफी टाइम से इसको वो चीज चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है. तो आर्टिस्ट के लिए, आजकल के जो आर्टिस्ट है उनकी सबसे मेन रिक्वायरमेंट होती है वो चीज. तो चलो फटाफट से उसको अनबॉक्स करते हैं और देखते हैं. देखो भाई, मेन गिफ्ट ये सारा का सारा सामान है. इसमें है मेन जो है, मतलब भारी भड़कम. तो शैनन ज्यादा एक्साइटेड है. शैनन, ये पता है क्या करा? ये आ गया था 5 तारीख को, आज है 7 तारीख. ये 5 तारीख से यहीं पड़ा हुआ है, यहीं का यहीं, और हम खोल नहीं पा रहे. हमने जानबूझ के इसको कुछ भी ओपन नहीं करा, और हमने ये सोचा था कि हम लोग आप लोगों के साथ इसको ओपन करेंगे. आप लोगों के साथ 7 तारीख. तो क्या होता है कि रात में जैसी 12 बजे उस समय खोलने का दिल होता है, लेकिन नहीं, 7 तारीख दिन का मजा दिन का ही होता है. दिन में ना वेट करते रहते. पहले तो संडे आया चर्चा है, फिर अगले दिन था, फिर जब अगले दिन हम पहुंचे वेट करते रहे करते रहे, मेरे को कोई बता ही नहीं रहे पैदा हो चुकी है. भाई हॉस्पिटल वालों प्लीज बता दो, जो पिताजी को तो बता दो कि नीचे गुड़िया आई है. तो मेरे केस में क्या हुआ था? तेरे केस में तो वहां पे चौधरी की तरह खड़े थे, तब इतनी सिक्योरिटी नहीं होती थी. तब तो बस यहाँ तो पैदा हुआ, यहाँ हम तेरे को देख रहे हैं. तिलक लगा हुआ भाई, मैंने कहीं कहा निशान लगा रखा था रेड कलर का, चार के चोट लग गई थी. क्या ऐसे ऐसे खून होगा ना, खून समझो यार. ऐसे ऐसे पैदा हुआ, कहीं ऐसे करके ऐसे वो निशान आया हुआ है. काफी भारी भरकम चीज है भैया, ये किसी ने कर्टेसी नहीं दिखाई इसको पैक करने की. देखो पैक जो होता है ना, वो पुराने जमाने की बातचीत होगी, पैकिंग वैकिंग. अभी तो माल देखो, सामान देखो अंदर उसकी, आप देखिए कंटेंट देखिए अंदर. भाई फटाफट से खोलो, मेरे को सबसे ज्यादा वो हो रही है. तो ये हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे. चलो भाई खोलो, मैं खोल दूंगा नहीं तो, अगर ये नहीं खोलेगी तो. देखो इसमें लिखा है आईपैड प्रो. ओहो क्या बात है, पैकेट खुल चुका है, डब्बा खुलने की देरी है. कंट्री ऑफ ओरिजिन चाइना. नेक्स्ट लेवल पे आ चुका है. क्या बात है. ओ भाई ये क्या है, भाई ये तो बड़े वाला है. 12.9 inch 256 GB. देखो तुम्हारा काम भी है. या तो गीत संगीत और या आर्ट. पहले वो होगा ना, ये हटाओ भाई, सील भी लटाओ. यहाँ से यहाँ से यहाँ से एरो लगाओ. दोनों साइड की. वाह, ये तो अपने मैकबुक की जैसा है. भाई ये मैकबुक के साइज का है क्या? वही है, 13 इंच. वाह भाई कितना ह्यूज है ये. ये तो लैपटॉप की स्क्रीन जितना है. सही में है ना भाई, मतलब इतना ह्यूज है कि जैसे हमारा मैकबुक है ना 13 इंच, मेरे को तो वही सेम स्क्रीन लग रही है. सेम स्क्रीन में उन्होंने आईपैड निकाल दिया. अच्छा चार्जर भी है. चार्जर भी है. बीमारी नहीं करी. वाह वैसे आप में से जिन लोगों को नहीं पता, मैं आपको बता दूं, शैनन जो है वो नेक्स्ट लेवल की आर्टिस्ट है. मतलब ये जो है, ये फिजिकल आर्ट तो बनाती है, साथ में डिजिटल आर्ट के अंदर ना भाई साहब अमेजिंग है, अमेजिंग. वाओ यीशु के गीत देखो गाइस, यीशु के गीत एप्पल पेंसिल पे. वाओ हमने एनग्रेव और हमने क्रॉस भी लगवाई. देखो गाइस छोटी सी यीशु के गीत और फिर एक छोटी सी क्रॉस भी है. इट्स नाइस, बहुत प्यारी लग रही है. फिर से मैम इसमें, इसको जब आपको चार्ज करना है ना, ये देखिए मैग्नेटिक. सही में इतना हार्ड है? ओ भाई तो बहुत हाँ यार, यहीं से चार्ज हो जाएगी. अब इसका कवर भी खोल दें क्या? हाँ मतलब पता है तुमको क्या है? यस आई नो इट्स ओके. कवर बहुत जरूरी है. सबसे बड़ी हमने स्पाइजन का मंगाया क्योंकि यही सबसे मतलब हार्ड वाला केस था, क्योंकि इसका भरोसा नहीं है शायद से रफ टफ यूज करें. तो मे बी कभी हम भी अगर यूज करें तो हो जाए ऐसा. पीछे से भी होगा.
So, कैसा लगा आपको आज का सरप्राइज? It's amazing. Amazing, बढ़िया मजा आ गया. मतलब पता नहीं शायद से कैमरा जस्टिस कर पा रहा हो ना कर पा रहा हो, बट ये ना मेरे हाथ में काफी हैवी लग रहा है और है ही है. देखो इनमें पीछे लिखा भी है iPad Pro और ये वाला है ना जो गाइस ये M2 चिप के साथ है, बिल्कुल जो भी लेटेस्ट चल रहा है 256 GB वाला वेरिएंट. ओके लेट्स डू द ऑनर्स. ओपन Apple. फोकस क्या बोलते हैं Apple वाले? Apple the world's fastest chip in the entire world. और हर साल का इनका ऐसी है. Hello. देखो होती है नो डाउट. Yeah, बट एक चीज माननी पड़ेगी, जैसे जैसे ओल्ड होता चला जाता है इनके जो OS है अपडेट वो स्लो जरूर करते हैं. Tell me what I have to do. English? भाषा सेलेक्ट करें. English? Chinese कर लें. Chinese? Japanese कर लो मैं तो कहता हूँ. ऐसे कैमरा क्वालिटी बहुत अच्छा है. यार ये है पापा. बहुत शानदार. क्या फोटोज आ रही है पीछे से दिखाओ. ये डिलीवरी की. ये हीरोइन दिख रही है. हीरोइन इससे कम में भी तुम्हारे पास ना आईफोन नहीं आने वाला. कितने में आईपैड आ रहा है? नहीं, वो भी इतनी बड़ी स्क्रीन में कितने सारे आईफोन इसके ऊपर लाइनअप कर सकते हैं. ले देख तेरे वाले तो कितने सारे आ जाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ जाएंगे. इतनी बड़ी स्क्रीन बहुत ही मजा आ रहा है नए आईपैड को चलाने में. केशान बहुत अच्छा लग रहा है ऐसे तो इतना फास्ट है, कुछ ज्यादा ही फास्ट है. सो गाइस हमने काफी ओपनिंग करने के बाद हम लोग अभी आ गए हैं सिलेक्ट सिटी वॉक में और शैन देखो कितनी प्यारी सी लग रही है. कितनी क्यूट लग रही है. मुझसे चेंज कर लिया. मुझसे अच्छी नहीं, मैं ज्यादा बढ़िया लग रहा हूँ. बट आज इसका बर्थडे है तो आज हम कह सकते हैं कि ये अच्छी लग रही है. देखो चेकआउट करो इसको कितनी बढ़िया लग रही है. नाइस. तो अभी क्या प्लान है भाई? कुछ नहीं पता, हमारे को केक चाहिए. केक चाहिए गाइस. तो देखते हैं कहीं पे हमें केक मिल जाए. चॉकलेट तो यार हमने खा लिया, मेरे बर्थडे पे मैंने चॉकलेट खा लिया. अब थोड़ा हमें ये देखना है कि बटर स्कॉच मिल जाए या फिर कोई और फ्लेवर हो तो वो अच्छा लगेगा. ये सेम केक. अब ये देखो देखो लग रहा है कहाँ जिम की बाइक. अरे वाह जिम चाचा लग रहा है. जिम चाचा यहीं से लेके गए थे. यहीं से लेके गए. जिम चाचा आप लग रहे हैं यहीं से लेके गए हो. ठीक है यहाँ पे एक पॉल करके पैटिसरी यहाँ पे बहुत सारे. बट हम सोच रहे थे तो हाँ यार और को आज कुछ ज्यादा ही लोग हैं, ज्यादा ही भीड़ है. सैटरडे है मे बी शायद इस वजह से. देखो यहाँ पे अभी यार यहाँ पे कर सकते हैं. ये सोच रहे कि हम यहीं पे सेलिब्रेट कर लें. यहीं पे कर लेते हैं, यहाँ पे सेलिब्रेट कर लेते हैं वो ज्यादा बेटर है. इंस्टेड ऑफ यहाँ से लेकर के जाओ घर पे सेलिब्रेट करो और फिर उसके अंदर ऐसे बर्फ डाल करके देते हैं ताकि तुम्हारा घर तक वो सही रह रहा है ना. यस बट भाई ज्यादा ही भीड़ है. और भाई ये क्या वो एप्पल वाला स्टोर वो देख सामने देख एप्पल का स्टोर. गाइस देखना यार कितनी ज्यादा भीड़ है यार. ये एप्पल का स्टोर है कि क्या है भाई? फिश मार्केट बना रखी है. रिप्रेजेंटेटिव तो एक चीज हो गई भाई, जो प्राइस है प्राइसिंग भी प्रॉपरली नहीं रखी हुई है. और कोई चीज अगर आप एक्सेस करना चाहो ना जैसे आईपैड है आईफोन है वो प्रॉपरली एक्सेस हो ही नहीं पा रहा उसके अंदर ना. अलग ही OS चल रहा है उसके अंदर. एयरपोर्ट का चल रहा है, एयरप्ले चल रहा है. ये तो छोड़ो उसके बाद ना अंदर गए हम बाहर निकल के आ गए जस्ट बिकॉज ऑफ द स्मेल ऑफ स्वेट. सही में बहुत ज्यादा स्मेल आ रही है यार. देखो भीड़ ही भीड़ है. जो बंदा इधर खड़ा हो रहा है ना वो वहाँ से हिल ही नहीं रहा. मतलब भाई ऐसी भी क्या दीवानगी है आईफोन से. थोड़ा बहुत चेंज करके दे रहा है ठीक है मान सकते हैं. बट हाँ 15 प्रो मैक्स ट्राई करा मैंने, वो भी प्रो रेस वाला जो उसका मोड है प्रो रेस मोड के ऊपर मैंने ऑन करके छोड़ दिया उसको. भाई साहब 2 मिनट या 2.5 मिनट तक चला होगा, उसके बाद अपने आप उसकी रिकॉर्डिंग बन. और रिकॉर्डिंग बन तो एक चीज पूरा का पूरा हीट अप हो रहा है पूरी तरह. इतना ज्यादा गर्म हो रहा है कि तब जाकर होता है भयंकर. मैं अपना फोन बिल्कुल कड़ी धूप में यूज करूं तो जाके गर्म हो रहा है मेरा 11 प्रो. हां ये इतना ज्यादा गर्म हो रहा है भाई. अपना आईपैड बढ़िया भाई बढ़िया. आईपैड सही है बेस्ट बेस्ट. फाइनली अपन यहीं आ गए हैं पॉल वाले के पास और यहाँ पे कुछ ज्यादा ही वैरायटीज है. देखो खाने 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 खाना 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 खाना. केक नजर नहीं आ रहा है, बाकी सब कुछ नजर आ रहा है. हाँ ये केक है. इस बार कुछ अलग हो जाए. ब्लैक फॉरेस्ट केक यार शॉप तो बहुत बढ़िया सी है, चमकदार सी. ब्लैक फॉरेस्ट ही ले लेते हैं गाइस. क्या कहते हो? ये तेरा इंतजार कर रहा है. लेके चलते काट लेते हैं
यहाँ पे है भाई, है बैठने की जगह है, तेरे घर पे कर देना, ठीक है कोई बात नहीं, चलो ठीक है ठीक है, चलो घर पे घर पे घर पे घर पे, हाँ अरे घर पे काटेंगे घर पे, ठीक है ठीक है ठीक है घर पे। गाइस अभी हम निकल करके ना उस वाले मॉल से डीएलएफ मॉल में आ गए जो बिल्कुल उसके साथ में सटा हुआ है। यहाँ पे देखो यार ब्यूटी दिखी है भाई, भाई सब ब्यूटी, अरे मुझे पूछा चूज कर ले, चूज कर ले यार, ये व्हाइट वाली, ब्लू वाली, व्हाइट वाली, मैं तो कह रहा हूँ भाई ये व्हाइट वाली मेरी है, ठीक है ठीक है, बात है, ब्लू वाली तू देख ले तेरे को चाहिए तो, मुझे जैगुआर, वैसे मैं तेरे को कहूंगा ये वाली ले तो ज्यादा बेस्ट है, मुझे इससे वो याद आ गया, क्या कहते हैं हम कार, हाँ ऑटो, ऑटो ऑटो एक्सपो, बढ़िया था, ठीक है देखो गाइस यहाँ पे BMW भी खड़ी है, ये ऑडी खड़ी है, ये कौन सी है, ये उससे बेटर है जो हमने अभी मॉल में देखा था, पता नहीं कैसा लग रहा है कि this is it, ये है गाड़ियाँ तो क्या तुम यार बेकार बेकार सी सस्ती सस्ती गाड़ियाँ देख रहे हो, ये देखो मर्सिडीज भाई, ये देखो मर्सिडीज देखो तुम, ये होगा बर्थडे गिफ्ट है ना, ये ले ले एक ले ले इससे बैठ जा, अच्छी रहेगा मेरे, हम दोनों को गाइस आप बताओ इसके ऊपर एक गाना शूट होना चाहिए ना, मतलब मैं आगे ये अलग गाड़ी पे, मैं लाल गाड़ी पे, ये नीली गाड़ी पे, ठीक है, बाकी यार रौनक देखो अच्छा लग रहा है, हम ना वापस जा रहे हैं अभी केक लेने के लिए, केक लेने के लिए वापस जा रहे हैं, उन्होंने कहा था कि हम एक घंटे बाद वापस आएंगे, पर हम DLF भी घूम लिए, वहाँ पे जाने फेंकते हैं, यस चलो, और जो हम परचेस करने वाले थे वो हमने परचेस कर लिया है, शान को दिला दिया है, एंड शान इज वेरी 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 हैप्पी, हेलो हेलो जी गाइस, हम यहाँ पे आ गए हैं पॉल पे केक लेने के लिए, एक लौता केक लेने के लिए आ गए, देखो वो रहा, अरे भाई भाई फटी ना जाए पहली वैसे जो केकरी वाले ना उसके अंदर आइसिंग वाइसिंग वगैरह करके देते हैं, बट मेरे को नहीं लगता उन्होंने कोई आइसिंग वाइसिंग वगैरह करी है अंदर भी, थैंक यू। तो भाई पॉल से अपना केक फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आ चुका है और इस पर लिखा हुआ है बहुत ही प्यारे तरीके से, इतना प्यारा नहीं ऐसा लग रहा है जैसे हेलोवीन टाइप है, बट तब भी सही लग रहा है, हैप्पी बर्थडे शैनन। अब इस पे अपने को लगानी है कैंडल्स, कैंडल लगानी है, कैंडल्स मंगाओ भाई, कैंडल्स मंगाओ, अच्छा लग रहा है केक, आई पर्सनली लाइक दिस केक, यू पर्सनली लाइक दिस केक, यस। देखो अगर अच्छा हुआ तो नेक्स्ट टाइम मेरे बर्थडे पर भी, नेक्स्ट बर्थडे किसका आ रहा है, नानी का आ रहा है, हां नानी का आ रहा है, नानी के बर्थडे पे हम पॉल से लेकर आते हैं, Happy birthday to you. Thank you. तो कैसा लगा केक? केक स्वादिष्ट। स्वादिष्ट आ गया, बहुत ही तगड़ा। Since 1869 है ना? 1889 से है गाइस, तो सोच लो कितना पुराना है, तो मतलब मास्टरी तो होगी। मतलब एक तो हमने इतना रैंडमली वहाँ पे ऐसे चूज करा कि मैंने हम लोग ऐसे एस्केलेटर पे चढ़ रहे थे, पता पहले हम इसके साथ निकल गए, तो मैंने दिखाया भी इस ब्लॉग के, और उसके बाद फिर मैंने बोला था कि यहाँ से लेना चाहिए, और क्या मस्त केक निकला, अच्छा टेस्ट है, काफी अच्छा है, देखो पापा मजे में खा रहे हैं, बेटर देन केकरी, बट देखो पता है केकरी की अपनी बात है, केकरी के अंदर जो चॉकलेट है ना वो मतलब प्योर और डार्क चॉकलेट, जो ये प्योर नहीं है, ये भी है, तो फिर ये केक का जो फ्लेवर है फर्क है ना, अब देखो भाई दोनों अपनी तरफ है, अपने वाला केक तभी दोनों अपनी जगह में पता हूँ, क्योंकि जहाँ केकरी है वहाँ पॉल नहीं है, जहाँ पॉल है वहाँ केकरी नहीं है, और ना ये देखो हाँ। मेरे बर्थडे वाला जो केक था वो मैंने पूरा का पूरा खुद ही खत्म किया था, हाँ। मतलब लोगों ने थोड़ा थोड़ा खाया था, बट 3 दिन के अंदर मैंने वो पूरा खत्म किया था, तो अब इसकी ड्यूटी बनती है, आप लोग कमेंट्स करके ये लिखो कि ये सारा का सारा जो केक बच रहा है ना वो ये खाएगी, नहीं नो 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 नो, ऐसे नहीं होता, आप खाओगे ठीक है, आप खत्म कर लेना केक, मेरा वाला केक ना इसने खाया नहीं था भाई, टेस्ट ऐसा, सुनो मैं अपना स्टाइल बताता हूँ, हाँ। सुबह ना आपकी मम्मी पूछती है
क्या खाओगे, हाँ। तो नॉर्मली ब्रेड आ जाती है, हाँ। ब्रेड में तो ऑमलेट आएगा। अपन क्या करते हैं भाई, जो केक होता है ना, हाँ। इसका सॉफ्ट वाला हिस्सा ब्रेड पे लगाते हैं, ये पूरा ही सॉफ्ट है, और कुछ उसमें ड्राई फ्रूट्स डाल देते हैं। वाह, हाँ। तो यानी आप खत्म करोगे केक? अरे अभी बोला भी कर दे, खत्म हो जाएगा खत्म। तो चलो मिलते हैं गाइस अब नेक्स्ट वीडियो में। देखो मेरे वाले बर्थडे की वीडियो नहीं आ पाई, उसके लिए वी आर एक्सट्रीमली सॉरी, बट के बर्थडे की जो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट में जरूर से बताइएगा, लाइक जरूर से करना एंड सब्सक्राइब प्लीज करना, आप लोग का हमारे साथ प्यार जुड़ा रहे तो उस समय पता लगेगा कि आपको ऐसे ब्लॉग्स और चाहिए, है ना। और थैंक यू सो मच फॉर द बर्थडे विशेस जिन जिनको मैंने नहीं रिप्लाई दिया, क्योंकि बहुत सारी विशेज आ रखी है, बहुत सारी। इट इज थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर द बर्थडे विशेज। बाय बाय।